बेटा मारी इज्जत के बारे में तने एक बार भी नहीं सोची। माँ इस ब्याह तो थारी इज्जत को ऊपर के आँच आ गई। उठाए बहू। हाँ माँ जी उठ ली। नू करो एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दो। फिर क्या हो गया? एक दिन सब मरना है, वह मर गई, चाय हो गया। हे भगवान मेरा बेटा जितने ब्याह नहीं जाने इतने तो मैंने ठीक ठाक रख विराट कोहली चला दिए फिर बेशक ठा लिए नो सही पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर नौकरी लग जाएगा और फिर ब्याह हो जाएगा फिर बस क्या है कि चिंता को क्या हो गया चुप कर खुद गल्ले बात करने लग रही है खुद गल्ले बात कौन करने लग रही है मैं तो भगवान तो प्रार्थना करूं थी ये प्रभु जितना मेरे बेटे का ब्याह ना हो इतना सही सलामत राख है तू घनी मरु मरु ना करया करे कुछ ना हो तेरे यो भगवान सब कारो खाड़ा से के मेरा राज के बाबू रोगी शरीर से दवाई पानिया चल लू हूँ केरा कद के हो जाए न्यू ना करया करे हौसला राख कुछ ना हो है। ले दवाइयां टेम हो गया मेरा तो दवाई ले हूँ सो हाँ ले ले टेम पर लेती रहा अगर कुछ ना हो जाएगी ठीक दवाई तो टाइम पे लियो सो फिर भगवान की मर्जी है के रहा कितने दिन के सांस से तू दवाई ले ले तेरे दर्द तो सारे दिन ये है बात जा ले ली के दवाई ले ली सुन सेना मैं तो दवाई भी खत्म होगी दो ही खुराक रही इसे अच्छा हाँ ले मेरे दर के पीछे हैं ये ले ले और लिए ये दवाई ले आऊंगी इन जाऊंगी जिद इन जाऊंगी जिद का क्या मतलब से दवाई तो लेनी है से इन जाऊंगी तो ले आऊंगी हाँ तो ले ये याद करके कदे भूल गया ठीक से ले आऊंगी रोटी का ले दूं हाँ रोटी ले दे तने खा ली के खा ली मन तो खा के फिर दवाई ली से ले ले दे फिर मन ने भी ले आऊं रुक 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 अरे क्या हो गया आजे घर चला ना यार मैं थक रहा हूँ जाऊंगा मैं सोऊंगा ही आराम करूंगा यार ठीक सर भाई ठीक सर ले बर्तन ले जा आ गया बेटा हाँ माँ आ गया तेरे भी गाल लेंगे रोटी माँ खा लूंगा थोड़ी देर में बेटा तेरा आखिरी पेपर था किसा गया बाबू पेपर तो बढ़िया हो गया बस रिजल्ट की बात से
बेटा पास आ बच्चा नौकरी तो लग जाएगी ना। हाँ माँ लग जाएगी। चलो मतलब ये अपने भी सुतरे दिन आने वाले से ठीक से फिर मैं खाद की बूझ जाऊ हूँ खाद आने वाला था बूझ जाओ अरतावड़े आइयो मैं सारे भी करना है ठीक सतावड़ा आऊंगा। माँ हाँ मैंने कितने रुपये चाहिए थे? कितने चाहिए बेटा? गणे ना माँ 400-500 रुपये चाहिए थे। ठीक से 5 मिनट रुक। ले बेटा ये समित कर तो। हाँ माँ साल जगण में तो काम। बेटा मेरी बात सुने तेरी पढ़ाई खातर मन्ने तेरे बाबू ने बहुत मेहनत करी है और हमारी मेहनत ना सफल करिए बेटा और एक दिन का बिल बेटा बनना है तने। ठीक से माँ मैं भी काम जाऊँ। बेटा रोटी तो खा जा। माँ आके खाऊंगा थोड़ी देर में आया। पीछे थे और राज ने दे दिए ये दवाई क्या के ले आऊंगी और आज के बाबू ने बेरा पट्टा तो रोड़े करेगा। ठीक से सुन सियाना आज अपने राज की नौकरी लग जाएगी। हाँ लग क्यों ना जाएगी खूब लग जाएगी जब सारे देश की नौकरी लगन लग रही है तो अपना राज की क्यों ना लगेगी। हे भगवान सुनिए मारी भी तू इतनी चिंता ना करया कर चिंता कर करके देख गात का क्या हाल कर रखा तने। सुन सियाने मेरा किमी हो जाने तो छोरे की जिंदगी खराब ना हो जाने दिए। तू चिंता ना कर कुछ ना होए सब ठीक हो जाएगा ले मैं दवाई दे दी हूँ तने फिर तू आराम कर लिए कोई बात। दवाई तो रह भी ना रही इसने के बताऊं। दवाई तो रहे ना रही आप और की तर रखी है ले उस समझा के पूछो। दवाई किधरी है तेरी वह थैली तो खाली दरी है। दवाई तो उससे दिन खत्म हो गई थी और मैंने पीछे दिए थे तरता ही दवाई लेने खातिर। वह पीछे तो मैं राज ने दे दिए थे राज ने मांग लिए। अरे बावली हो रही सके तू कम तक मेरता ही तो बता देती मोर ले देता पीछे दवाइयां खातिर। मैंने सोचा क्यों दुखी करे तुम इसमें दुखी क्यों होना मैं मांग लिया तो उधार किसे पर तू भी पागल वाले काम करे से। माँ बाबू मेरी नौकरी लग गई। शुक्र सवेरे राम या तो सुनी तले। मैं तो पहले ही कहूँ था राम मारी जरूर सुनाएगा योर नीली छतरी वाला सब ठीक करेगा। हाँ बाबू पूरे 30,000 रुपये तनखा है मेरी। बहुत बढ़िया बेटा आज बहुत खुशी हुई सामने कि तू तो आज अपने पैरों खड़ा हो गया। आज बेटा हमारी छतरी वाली खुशी हुई से बस तेरा ब्याह कर दिया फिर हम गंगा नहाई हो जाए। माँ मेरी ब्याह की टेंशन छोड़ दो मैंने बड़े नौकरी करनी सही है। ठीक से बेटा ये लत्ते कपड़े बदल ले तेरे खातर चाय बना दूंगी और दो पराम थे सेक दूंगी। ठीक से माँ देख ले तेरी आज संग ना हो तो मैं बना दूं। आज मैं जब मैं खुश हूँ राज की नौकरी की बात सुन के मेरा गात सा खुल गया और मेरी सारी राहत उतर गई। ठीक से तो बना दे सुनो उसके। हाँ बोल के कब है न्यू कौन थी इतना अपना राज नौकरी भी लग गया
रिश्ता देख लियो अरे, जब टाइम से भी आया गया तो अपने छाती पर तो बोझ उतर जाएगा। हाँ कहो तो सही है तू, न्यू करो मैं एक बार राम भर से बात करके देखो हूँ, वो ये ब्याह शादी वाली साठ गांठ करवा दिया अरे। हाँ कर ले, रामफड़ के लंदन में रहवा से दो घर छोड़ के यो रहा रामफड़ का घर। हाँ ठीक से, तो कब है तो मैं जाके आऊँ एक बार रामफड़ दो रहे। ठीक से जाके आ, इस तरह काम में देरी को नहीं आ रहे हैं। हाँ जाऊँ दे हम मिल जाएगा तो। ठीक से अरे रामफड़ है आ जा भाई। के ज्ञान है? ठीक ठाक भाई कृष्ण, तेरी बता। बस भाई बढ़िया कर रहे हैं टाइम पास। अरे तो बढ़िया टाइम पास होना चाहिए, छोरा नौकरी लग गया। हाँ उससे खतरा आया सु भाई, मैंने सोचा था उसका रिश्ता रास्ता ये कर दियो, नौकरी तो लग गया भाई। टाइम से बड़ा गया जाना तो बुढ़ापा सुख तो कट जा। देख फिर कोई रिश्ता भाई। हाँ भाई देखूंगा, कल मैंने किसे जाना है करूंगा उड़ा जी कर। ठीक से बात कर कर जिसी बात हो मेरे तीन बता दिए भाई। हाँ बता दूंगा भाई कृष्ण। ठीक समझ चालू भाई। अच्छा भाई रामपल कन गए थे तमी और रिश्ते ही बात बनी? हाँ करी थी उस तमन बात है, हर वाज गया भी रिश्ते ही बात करने आता ही होगा, आते ही वो बेरा दे देगा अपन। ठीक से फिर तो आज सुन के रिश्ते ही बात है, आजकल जम शांति सी हुई से, थोड़े की नौकरी भी लग गई और ये ब्याह भी हो जाएगा। क्या छोरी कुल से है? या छोरी कुल से इसे गए ले? माँ बाबू या थारी बहू से प्रिया? मारी बहू? हाँ माँ थारी बहू, मैंने ब्याह कर लिया। बेटा ब्याह न्यू क्यों करे? बेटा न्यू कौन सा ब्याह होया अगर है, किसी बात करन लाग रहा है तू? माँ बाबू मैंने इस तक कोर्ट मैरिज कर ली, थारे घर में बहू आ गई और थारा खर्चा बच गया। बेटा अपना समाज में न्यू ब्याह नहीं हो अगर से, छोरी देखी ने मांग भरी ने तेल बान ने तेरा बाणा ने न्यू ब्याह नहीं हुआ करे से। बेटा तने माँ बाप की सलाह भी ना ली, इतना बड़ा फैसला लेने था पहले तने न्यू भी ना सोची, आकाम इस ब्याह तर राजी भी संग ना। बाबू मैं राजी था या राजी थी, इसके घर के राजी थे तो मैंने कर लिया ब्याह। बेटा तेरे घर के राजी से कोनी यह बात सोची कितने? माँ बाबू मेरी खुशी में थारी खुशी होगी, मैं सोचा थमके नाटोगे, वो भी थमने ब्याह का कई बार जिक्र कर लिया था। किसे माँ बाप से तेरे घर में पहली बार बहू आई से, ना कोई स्वागत ना कोई रसम। अरे कोई बात ना, माँ बाबू थोड़े नाराज से मन बिन बताएं तो ब्याह कर लिया ना, और मेरे माँ बाबू से थोड़ी देर में मान जाएंगे। मन ना बेरा, मैं जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और इसी शर्त पर मैंने तेरी गल ब्याह कराया है। अरे कोई बात ना, मैं अपना आप संभाल लूंगा। बेटा मारे इज्जत के बारे में तने एक बार भी नहीं सोची? माँ इस ब्याह थारी इज्जत को पर क्या आ गई? बेटा इज्जत पर क्यों को नहीं आ सागी, इसे जात का बेरा ने, इसे कुटुंबे का बेरा ने, कुण कड़े किसे क्या का बेरा, हमने न्यू बता तू किम्मेद कौन बेरा इसके बारे में हमने। माँ इसका गैल मन न रहना है और इसके बारे में हमने सब कुछ बेरा है तो हमने चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं। ना बेटा यो करण था पहले तने एक बार तो हमारी सलाह लेनी चाहिए थी। कुछ ना होता बाबू, हमें चाहो थे मेरे ब्याह हो गया तो हो गया, और के चाहिए था, भवानी थी वाह गैया, और सबसे बड़ी बात तो या इस ब्याह तो मैं खुश हूँ। चल प्रिया तू थक गई होगी मित्र, चल। यो के हो गया राज के बाबू, सारा काम अपने पर थुकागा, तेरे मेरे बारे में तो इसने कुछ भी ना सोची, इसने अच्छी लगी और गना लिया है। इब के कहूँ इसने, मेरा समझ में नहीं आ रही, यो दिन देखने खातिर इतने दुख पाए थे क्या हम? ए राम
छोटी सी खुशी देके और जिंदगी भर का और देख के मोटा दुख दे दिया। अरे के बात होगी किशन, क्यों कर्मु लटकाए बैठे सो? अरे कुछ ना भाई राम भाड़ा। अरे फिर भी किमा तो बात होगी, सब राजी खुशी तो से। और मैंने राज के रिश्ते की बात चलाई थी, उड़े बन भी जाएगी। माँ मेरी चप्पल किस है, इतर तो ना मिल रही। चक्केल पड़ी होंगी देख ले। अरे यह छोरी कौन से? राज आज इसने ब्याह कर लिया है। के हाँ राज ने कोर्ट मैरिज कर ली इस गल्या। बेटा यो तो इतना अच्छा नहीं करा, बिना माँ बाप की सलाह के तू ब्याह कर लिया, यह बात शोभा ना देती अपने समाज में। ये शोभा नहीं देता, मैं इसने पसंद करूँ सू, अरे यो मन पसंद करा है। हमने एक दूसरे के गैल जिंदगी जीनी है, समाज गैल नहीं। अरे समाज खातर हम अपनी खुशियां क्यों कुर्बान करा? मारी मर्जी, हम किस गैल जीवा, क्यों कर जीवा। बेटी तू पहली बार आई है, तेरा इतना बोलना अच्छा ना है। तो क्या करा बाबू, लोग मारे तो कुछ भी बोलते हैं, हम चुपचाप सुन लिया। मारी जिंदगी हम किस तरह भी जीवा। चल प्रिया मित्र। देखे राज के बाबू टिंगरी का पाछा छोरा क्यों कर रंग बदल गया। मन ने भी सा लागा है राज की माँ। ठीक से भाई किसी ने, मैं चालू छू, तारा छोरा ब्याह आएगा, ये मेरी के जरूरत से। तेरा काम सही है राजे, बिना खर्चे और बिना खुड़ के धड़के बहू लिया आया। अरे भाई वह मेरे तो प्यार करे थी, मैं उससे प्यार करे था, मन ने नौकरी मिल गई उसके घर के मान के, फिर मन ने क्यों टेम लाना था। अच्छा रहे मन ने भी कोई सी प्यार करने वाली मिल गई ना, तो मैं भी नुई गंडा पैर जाऊंगा। सही है यार, खुद खर्चा करो, लोगों तो खुआ पियाओ, दुनिया अपना खर्चा बसवा ले जा, ये फायदा इस चीज का। फिर भाभी दे मिलवा दे हमने। आज ही फिर शाम ना करा, मिलवा दूंगा। ठीक से फिर शाम नाज पक्का आऊंगा। ठीक से। तो राज तो उठ लिया और वह बहू इतना ही को नहीं उठ के आई है, इतनी बार ताई भी कोई सोया करे है। भाई उठ आई बहू? हाँ माँ जी उठ ली, नू करो एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दियो। ए बहू मैं चाय बना के दूंगी और जब तेरी नींद उतरेगी के मैं तो बीमार तो हूँ रोसो, चाय तो तन्ने बना के देनी चाहिए मेरे ताई। ना ना मैं ना बनाऊं, मन्ने तो घर है मेरी माँ ही दिया करती चाय बना के। बेटी सवेरे उठ के ना काम धंधे करने चाहिए। मैं इतना ही बजे उठा करूँ और मेरी यही आदत से। बेटी शहर हम चल जा रही है, गाँव माम कौन चल जा रही हूँ काम। मन्ने ना बेरा, मन्ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी से हर तरीके से ही जीऊंगी, चाहे गाँव में रहो और चाहे शहर में रहो, मैं किसी खातर खुद ने ना बदलू। ठीक से बेटी तू जाने और रात जाने, हमने तो टाइम पर बस दो रोटी दे दी। अपनी खुद बनाओ और खुद खाओ, मेरे पे सब की रोटी ना बने। ले या किसी बहू सोचो तो नहीं थी, बहू आ गई अब बुढ़ापा में सेवा करेगी या किसकी सेवा करेगी, ये तो गल कफन दा गल गया नहीं सोच ले, ना मरने दे ना जीने दे। उठ गई प्रिया? हाँ उठ गई। और चाय पी ली? कि किसी ने प्याई से। ठीक से तो मैं दो कप बना के लेकर आऊँ, एक तू पी लिए एक मैं पी लूँ। ठीक से बना लो। और सुनो गले बिस्कुट भी ले आए हो तो मेरे पास अकेली चाय कौन पी जा। सुनो सके या बहू तो मन काम की कौन लगी? क्यों क्या हो गया? ईव तो सुत्ती उठी से और उठती नहीं बोली, मेरे खातर चाय बना के लिया। अच्छा न्यू बोली तेरे ते? न्यू और कैसे, मर गया तो मेरी माँ बना के दिया करती बंसा। देख लिया मैंने, यो राज समझाना पड़ेगा, बुला राज ने। ठीक से मैं बुला के लिया। राज सुन तने मैं एक बात बता दूँ, मेरे पे इस गांव के माहौल में ना रहा जाओ। क्यों क्या हो गया? देख
ना तो गांव में मेरा जी लागता और ना मेरे पर काम बने, और वो भी तेरे माँ बाप तो मने देख के भी राजी को न्या, और ना वे मन ना अच्छे लागते। फिर तू क्या चाहो है? क्या चाहूँ सुखे? देख तेरी नौकरी भी शहर में है, आप दोनों शहर में रह लेंगे, तेने रोज घर ने भी नहीं आना पड़ेगा, और फिर अपने दोनों का काम तो मैं कर ही लूंगी। ठीक से तो मैं माँ बाप को गल बात करूंगा। वे तो के बेरा तने नाट जा नौकर, तू सीधा जाकर बताई दे, अक मैं तो शहर में रहूंगा फिर या गल्या। ठीक से तो बेटा राज है तेरे बाबू बोल रहा तने एक बार। ठीक से माँ आऊ हूँ चल। देख ईब सही मौका है बात कर कर एक पास सो। ठीक से आओ से क्यों हाँ बाबू के कहो थे बेटा वह कुर्सी लेकर बैठ मने दो बात करनी है तेरे ते। हाँ बोलो बेटा जो करिया बहू से ना न्यू ठीक कोने ना तो यार टेम पर उठ दी और ना के मैं काम कर दिया। बाबू ये शहर में पड़ी बड़ी से इसने रोटी पानी सिवाय कुछ ना करया। तड़के ही उठ दी बेटा मन्ने नूली चाय बना के लिया के दे। बेटा मैं चाय बना के दूंगी बहू ने तो मन्ने बहू का के सुख हो या। माँ मैं सब की मैं ठीक कर दूंगा इस चीज का मेरे दो इलाज से। केस है इलाज से तो बता भाई। बाबू मैं थमने एक रास्ता बताऊं सू मेरे प्रिय दोनों शहर में रह लिया हाँ मेरी नौकरी भी शहर में से और मेरा रोज का आना जाना बच जाएगा। के को है बेटा यो हम यूरे दोनों एक ले रहे राज हमने तू ये दिन दिखाने खातर पढ़ाया लिखाया था के आ काम ने बुढ़ापे में तेरी जरूरत हो जब तू शहर में रहने लायक जाइए और हम बुढ़ापे में मेरा गाँव में एक ले पड़े रहा दुखी हुआ। बाबू तो मैं गाँव में क्यों कर रहे इसको सू मेरी शहर में नौकरी से और प्रिया भी शहर में पड़ी बड़ी से हम तो गाँव में रह रहे सो और रह लियो के दिक्कत से दो टाइम की रोटी तो बनानी सी वह मेरी माँ बना लेगी। बेटा मैं तो ध्यान ही बीमार नहीं जाऊँ सो। माँ तू बीमार रहे तो बाबू रोटी पोलिया करेगा के दिक्कत से इसमें। तन्ना तो कोई दिक्कत ना से पर तू हमने हर चीज तो दिक्कत देने लाग रहा है। बस बाबू मन्नर प्रिया तो सोच लिया हम शहर में रहेंगे मैं आज जमा कान देख आऊंगा और एक दो दिन में प्रिया ने अड़त लिया जाऊंगा। बेटा इतना खुद गर्ज ना बने मार कहानी भी देख ले और मेरे कहानी ना तो कम तक कम तेरी माँ कहानी तो देख ले बीमारी का गात से बेरा ना कद के हो जा। बाबू हम मेरे तनु टेंशन दिए गए ना तो मैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैंने मेरा कैरियर भी देखना है काल ने बालक हो गया तुमका भविष्य भी तो देखना है। बेटा तेरे तो यह उम्मीद ना थी जो बुढ़ापा औलाद दे सेवा नहीं करे तो के फायदा औलाद पैदा करने का। माँ मन ने कुछ नहीं सुनना मन ने शहर में जाने की तैयारी करनी है। ठीक से बेटा कर ले तेरी मर्जी आओ। शनी न्यू टिल्ला हो तो काम ना चल करड़ी हो जाए मैं एक दूसरे का सहारा हाँ न्यू ना करे। ठीक से माँ मैं चल लू। ठीक से बेटा राजी रही गयो। ठीक से बाबू चल लू मैं। ठीक से बेटा दो चार दिन में फोन करता रहिए। ठीक से बाबू। ए भगवान या के करी इतने औलाद होंदी सांदी भी बे औलादे से ना कहा। शैनी संभाला अपना आपने न्यू माड़ा मन ना करे न्यू माड़ा मन करे काम ना चले तू पहले बीमार रहे है और तबीयत खराब हो जाएगी तेरी आराम कर ले तू। देखा जी कितना सुकून है शहर में आके कोई रोला नहीं कोई कलेश नहीं कोई रोकन टोकन आला नहीं। हाँ यह बात तो तू ठीक कह से सुबह रजो पर जाओ सांझ में अपना घर ना जाओ फालतू तो किसी तो कोई मतलब नहीं। अरे देख मैं ठीक टाइम पे उठ भी लियो सू घर का सारा काम भी कर लियो सू खाना भी बना लियो सू हर दिन में आराम भी कर लियो सू। हाँ हम ही बनू कैस कहा कि सुख तक कट रही है जिंदगी। बस तो फिर और क्या चाहिए जिंदगी में। सुने इसके राजदूर फोन मिला दियो ने मेरा जी कर बात करना कई दिन हो गए। जब तक गए हैं उनने एक बार भी फोन ना करया है अपना दौरे।
कई दिन हो लिए। फिर के बात होगी तो तामी मिला लियो, तामी कर लियो बात है। ले करूं हूं मैं देहा। घंटी तो जा है राज ठाले ने मेरी बात करवाई है। था वह जब तो ना ठावे फिर मिला दियो। ना ठाया काम लग रहा होगा मेरे बेटा। हाँ हो सके है। राम राम काका। काके राम राम है। राम राम बेटा। नाना के कुर्सी ले ले भाई बैठ जा। कई दिन में आया रे। हाँ काका टाइम में ना लग गया। वे सिरसों वाले खेत संवारण ला रहे थे। सिरसों बोनी थी किमे यो राम बरस गया दो दिन ते। काकी किमे डिली डाली हो रही हा के बात है। हाँ बेटा रिवे मारी का गात हो रहे है बस नहीं चलनी हो तो। हाँ भाई तेरी काकी ठीक ना रहती। कैसा लोगे दवाई खान देने ना तो ठीक होती और ना ये दवाई छूटती। काका मने सुनी है राजगाम छोड़ के शहर रहन लग गया। हाँ भाई शहर रहन लग गया। शहर में नौकरी लग गई ना उसकी और फिर उसकी बहू भी तो शहर की रहन वाली है। फिर उनने सोची शहर में रह लिया। पर काका तुम तो अकेले रह गए ना अड़े। अरे तो सुख देने जोगा होया था ये वो अलग होकर बैठ गया। हाँ भाई के कर सका। ले तो काका मैंने भी कई दिन हो लिए बात करी राजते ले मैं फोन करूं हूं। करिया था बेटा तेरे काका ने फोन है राज ठाणे कौन पाया। कोई ना काकी मैं भी करके देख लियो हूं। ना ठाया काका। मैंने भी करिया था भाई दो बार ना ठाया मेरा भी। ठीक से काका काकी मैं चल लू हूँ। ठीक से भाई संभाला अपने काम ने तो। ठीक से तो। जनक का कोला है उड़ा है एक बार फोन करके देख लूं। हेलो जनक सुना। मैं तो ठीक सू तू बता। मैं भी जमा मौज में। थोड़ी देर पहले मैं गया था काका काकी धोरे जब फोन करा तेरे धोरे। अरे भाई मैं फोन के पास में ना था मैं कुछ काम लाग रहा था। काका काकी बात करने की कह रहे थे फोन कर लियो उन धोरे। ठीक से भाई कर लूंगा। भाई कदे शहर आऊंगा जब मिल कर जाऊंगा तेरे जरूर। ठीक से भाई। सुना है के एक बार तावड़ा उराई हो। अरे भाई एक बार तेरी भाभी बोल रही है। ठीक से भाई। सुनो जी मेरा जी घबराओ से राज तो मिलना जी कर रहे है। न्यू कर किसे ने राज तो रे फोन कर ले और उसने काम में ही बुला ले। ले मैं करूं हूं भाई फोन राज धरे। ना ठावे मने राज तो मिलना है मने दिखा मेरा टेम आ लिया। ये भी इसकी इतनी गुंजाइश भी ना से अकापा इसने शहर लेके चला। और ना हमने न्यू बेरा वो शहर में कितरा हुआ है और ना फोन ठंडा। कल ऑफिस के काम तो गांव का जाना होगा और गांव का जाया जो है माँ बाबू ते फेटे होगा। ले बाबू तो पहले फोन करके बता दू। हेलो बाबू नमस्ते। नमस्ते ठीक से तू। हाँ बाबू मैं ठीक सू। कल मैं थार तो मिलना रहा सू मेरी माँ ने बता दिए बस उनको खुश हो जाएगी। ईब के खुश होगी वाह तेरी माँ इस दुनिया में ना रही इब। उसने गुजरी ने एक हफ्ता हो लिया साज। नहीं ना बाबू नू मत ना कह माँ का कुछ ना उसके। जो होना था वो हो लिया। तेरी माँ तो ना बहुत याद कराया करती और लास्ट टाइम वह तेरे तो मिलन की भी कह रही थी। तेरे द्वारा बहुत फोन मिलाया पर तने ठाया है ना। बाबू
मां जगह माऊ तेरी बोरियां लेकर आ जा भाई तेरा है घर से। हे भगवान मेरे तो के पाप हो गया, मेरी मां मेरे तो मिलन खातर और बात करने खातर तरसी गई और मन उनकी एक नहीं सुनी, मन मेरा खुद पगीना रही है। क्यों हो गया जी नु क्यों करो हो? माँ मेरी माँ मर गई एक सप्ताह पहले और मन आज मेरा लग गया लास्ट टाइम में ना मैं उनसे मिलन पाया और ना बात कर पाया। फिर क्यों हो गया? एक दिन सब न मरना है, वह मर गई चालो हो गया। मेरे माँ बाबू के बारे में कुछ मत बोल दिए चिंडाल लुगाई, मैं तेरी वजह से मेरे माँ बाबू तो दूर होया, मैं कद इतना खुद गर्ज हो गया, मन ने बेरा ना लग गया, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोची, मैंने मेरे माँ बाबू के बारे में कभी लगाया भी नहीं, मेरा जी तो ऐसा कर रहा है तेरा गेट मोस दूं। देखो जी मारियो ना, मैं आज पछे कि मैं कौन कहूँ, मैंने गांव जाना पड़ेगा, मैंने माँ तो खो दी, मैं मेरे बाबू ने नहीं खोना चाहूँ। हाँ मैं भी चल लूंगी, चलने की तैयारी कर लो। बाबू मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, गलती ना मेरे तो पाप हो गया, मैंने माँ तो घना दुख दिया पर माँ उस दुख में चल बसी। बाबू मन्ने भी माफ कर दो, मैं भी आपकी गुनहगार हूँ जो बस अपने बारे में सोचती रही, मन्ने एक बेटा अपने माँ बाप से अलग कर दिया, इस तो बड़ा पाप क्यों होगा। बेटी बेटा मेरे खातर तो आज भी थम बेटा बेटी है हो, जो हो गया उसने तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल ने तो सुधार सका। हाँ बेटा तुमने थारी गलती का एहसास हो गया या ये बहुत बड़ी बात से। हाँ भाई राजे तू अपनी माँ की सेवा तो ना कर पाया, फिर थर तोरा मौका से अपने बाप की सेवा करो अच्छी डाली पे। हाँ भाई जनक तू सही कहा, मैंने मेरी माँ तो खो दी पर मैं मेरे बाप ने नहीं खोना चाहूँ, मैं उरे गांव में रहूंगा और मेरे बाप की खूब सेवा करूंगा। हाँ बाबू मैं भी आपकी खूब सेवा पानी करूंगी, कम से कम मैंने जो पाप करा है उसका पश्चाताप तो हो जाएगा। बस बेटा तू मेरे तक घने दिन दूर रह लिया, मैं तो न रह रखूंगा, दूर नहीं जाने देता ना।